आज मैं यहाँ पे आई थी, हमने यहाँ पे टीम्स लगाई होती हैं, यहाँ पे मॉर्निंग और शाम की ड्यूटी लगती है, तो मैं ये देखने आई हुई थी यहाँ पे माता के दरबार में। तो यहाँ पे हमारा तो सब ठीक चल रहा है, हमारे एम्प्लॉई हैं इधर ड्यूटी पे, और इधर से जो यहाँ पे मंदिर में कमेटी है उनसे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, तो सब ठीक है माता रानी की कृपा से। और आगे भी हमारी जब तक ये यात्रा यहाँ पे एक संपन्न नहीं होती तब तक हमारी टीम इधर ही रहेगी। मैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ विजिट डालने आई थी। थैंक यू। जी जय माता दी। मैं पुजारी माता बाला सुंदरी नगरी तो मिस्टर कमलपुरी, और सारे को पहले माता के जिन्हें भी भगत हैं उन्हें नराते की हार्दिक शुभ कामना देगा। और इस मंदिर पर इसलिए डीसी साहब ने सफाई का अभियान चला दा है, जो डीसी साहब के आदेश उपर चले दा, और सफाई का बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल सफाई का अच्छी तरह से हो रही है, और अभी पूरे ये निगरानी रखी गई है, और बड़ा अच्छा जरा इंतजाम से चले दिन भगत आवे दिन, और बड़ी श्रद्धापूर्वक माता के दरबार से मत्था टेकिए जा दिन और अपनी हाजरी लगवा कर दिन, और लंगर की बड़ी व्यवस्था की गई है, और लंगर इतना चले कर दिन, सवेरे भी शामी प्रसाद भी चले दिन, और सफाई जी है सफाई का बिल्कुल अच्छा ध्यान है। जय माता जी। जय माता जी। मैं पुजारी माता बाला सुंदरी मदनलाल जी, असी जिन्हें भी भगत आए दिन माँ भगवती की कृपा करने पंजाब साढ़े कन्ने लगता है, पंजाब तो काफ़ी भगत आते हैं, उनके ताई अं लंगर की व्यवस्था चले करती है, तो बैठने की पानी की सुविधा पूरी है साढ़े को। बाकी असी जितने भी दुकानदार उन्हें दस दा कोई प्लास्टिक वगैरह कोई यूज़ नहीं करना, असी एक बारी पूरे दुकानदार समझाई देता, जो प्रसाद वाले या हलवाई ने उन्हें पूरे तौर पर दसदा भाई सानू पिछुप सकती है, बिल्कुल अपना साफ सफाई रखो। बाकी माँ भगवती हर भगत की मुरादा पूरी करती है, बड़ा पुराना इतिहासिक मंदिर है, लोग दूरों दूरों माँ के दरबार आते हैं, मूँह मंगिए मुरादा पाई जाते हैं।